सभी हम स्कूल से आ गए हैं और आज पहली बार हम बारिश में भीग गए हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई थी अनिता और मैं। थोड़ा नहीं, तुम सारी बारिश आ रही है। देखो मेरे बाल भी भीग हैं। हाँ, अब अभी ये ड्रेस भी भीग गई है। बारिश का मजा हम लोगों ने ले लिया है पहली बार। तो हम घर आ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उसका सारा थोड़ा काम करने के बाद यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे चाय बना लिया है क्योंकि आज जाना है आरिका के स्कूल। आरिका का है रिजल्ट, तो यहाँ पे मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। तो चाय पी के जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने चाय बना ली है और अब हम चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाया था, तो ये सैंडविच आलू का सैंडविच और साथ में मैंने बादाम भी गोए थे वो रख दिया है। और चाय तो ये आज हमारा का ब्रेकफास्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। तो आज मैं जा रही हूँ आरिका का, आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, स्कूल जा रही हूँ। हस्बैंड भी जा रहे हैं लेकिन उधर से वो ऑफिस चले जाएंगे, तो वो जा रहे हैं कार से और मैं जा रही हूँ स्कूटर से। उधर से मैं आरिका को लेके आ जाऊँगी, तो बनती थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्कूल पहुंच चुके हैं। आरिका और आरिका के पापा आ गए हैं, तो बस अभी स्कूल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अंदर ज़्यादा अलाउड नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे मैम से मिलेंगे और आरिका का रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद ये जो है ऑफिस से ले जाएंगे। ये आरिका का क्लास है, तो क्लास रूम में जा रहे हैं। बस उसके आगे मैं नहीं चला सकता हूँ, सकते हैं आप सभी। सभी हम स्कूल से आ गए हैं और आज पहली बार हम बारिश में भीग गए हैं। थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गई थी अनिता और मैं। थोड़ा नहीं, तुम सारी बारिश आ रही है। देखो मेरे बाल भी भीग हैं। हाँ, अब अभी ये ड्रेस भी भीग गई है। बारिश का मजा हम लोगों ने ले लिया है पहली बार। तो हम घर आ चुके हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं आ चुकी हूँ आरिका के स्कूल से और अब मैं बनाऊँगी इडली सांभर। तो सांभर की तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग लंच ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट बनने वाले सांभर की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में इडली बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, दाल मैंने भिगो दी है और यहाँ पे मैंने कद्दू के हरे वाले जो कद्दू आते हैं उनको कट करके ले लिया है। सांभर में आप जो जो आपके सब्जियाँ हो जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज डाल रही हूँ कद्दू डाल रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे एक टमाटर डालूँगी और जितना हमारे यहाँ लोगों को पसंद है वही सब मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बैंगन लिया है। बैंगन को मैं छील के डालूँगी क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना छील के उनको नहीं पसंद होते हैं, और अगर छील के डाल देते हैं तो अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है और अब मैं बनाने के प्रोसेस में चल रही हूँ। तो बहुत जल्दी से मैं यहाँ पर बनाऊँगी, कुकर में बनाऊँगी, एक साथ झट से बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला था, कुकिंग ऑयल है, और यहाँ पर डाल दिया है मैंने राई, करी पत्ता। और अगर इस तरीके से आप सांभर बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बनता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। एक इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि पहले हम दाल को बॉईल कर लें, बाद में सारी सब्जियों को उसके साथ बॉईल करने के बाद तड़का लगाएं। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका झटपट वाला है जो कि बहुत ही जल्दी से आप बना के तैयार कर सकते हैं। अगर अचानक से आपको बनाने का मन हो जाए सांभर का तो इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है, आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके फैमिली को भी पसंद आएगा और झट से बन भी जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज भून चुकी है, साथ में मैंने हरी मिर्च, करी पत्ता सब डाल दिया था। अब मैं एक टमाटर डाल दूँगी। टमाटर आप अपने स्वाद के अनुसार एक दो तीन जितना डालना चाहे, जितना खट्टा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर आप लास्ट में इमली का पानी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, जो भी मतलब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ हींग डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। यहाँ पे डाला हल्दी पाउडर, मैंने हल्दी पाउडर और यहाँ पे डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे जो सांभर मसाला आता है वो डाल दूँगी। मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज करती हूँ, मुझे उसी का टेस्ट पसंद है, बाकी आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसको मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाल दी है।
तो सारे मसाले डालने के बाद और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है मैंने, और आप अगर बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर मसाले जल जाते हैं। तो हमें पानी थोड़ा सा डाल के मसाले को अच्छे से पहले हमें भून लेना है। तो देखिए, हाँ, मैंने पानी डाल दिया है, अब मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी। मसाला भूनने के बाद फिर मैं इसमें, देखिए मसाला कितना अच्छे से भून गया है, सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं, टमाटर भी गल चुका है। तो अब मैं सब्जियां ऐड कर दूंगी, जैसे कि मैंने कद्दू कट किया है, बैंगन, साथ यहां पर मैंने सारी सब्जियों को ऐड कर दिया है। और अब इसको मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि अच्छे से भून नहीं जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दाल भिगो के रखी थी वो मैंने डाल दिया है। अगर आप भिगोते भी नहीं हैं 10 मिनट तो भी चलेगा, लेकिन एक सीटी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 3 गुना हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि सब्जियाँ भी हैं इसके अंदर। तो अब मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और 4 सीटी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब मैंने इडली का जो बैटर है वो तैयार कर लिया था, तो इसकी जो रेसिपी है तैयार करने की वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। यहाँ मैं आज जल्दी में बना रही थी, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर किया है, झटपट वाली। चटनी भी मैंने बना ली थी, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर ग्रीस कर लूँगी, जब तक सांभर बनेगा तब तक मैं इडली भी तैयार कर लूँगी। तो बस इसको ग्रीस कर ले रही हूँ। ग्रीस करने के बाद अगर हम इसको बैटर डालते हैं तो ये इडली जो है चिपकती नहीं है, अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो चिपक जाती है। तो एक साइड में मैंने जो इडली बनाने की कढ़ाई है उसको भी मैंने रख दिया है, और उसको मैं पानी डाल के और उसको कवर कर दिया है ताकि फटाफट जो है गर्म रहेगा तो उसमें जल्दी से इडली तैयार होगा। तो अभी मैं यहाँ पर कढ़ाई में पानी रखने के लिए जा रही हूँ, और साथ में वहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी। यहाँ देखिए, मैंने पानी, तो इडली बनाने की कढ़ाई भी मैंने एक साइड में रख दिया है, उसमें पानी डाल दिया। अब गैस में जला रही हूँ और उसको कवर कर दूँगी। उसके बाद इसमें जो है ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा पानी, तो इडली अच्छे से बनेगी, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लेगी। तो इधर मैं अपना ये भी काम कर ले रही हूँ, साथ में दोनों काम कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है डाल दूँगी, देखिए यहाँ पे जो बैटर मैंने इडली का बना रखा है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, उससे क्या है कि फीकी नहीं लगती है इडली। तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लिया करिए आप लोग भी। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है इडली का जो बैटर था वो मैं इसमें अच्छे से फिल कर लूँगी, और उसके बाद स्टीम करने के लिए कढ़ाई के अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पे 2 ट्रे हैं मेरी, एक साथ में 12 इडली बन जाती हैं, और अगर हमें कम बनाना है, 6 बनानी है, तो एक ही प्लेट को मैं रखूँगी। तो अभी मैं दोनों ही बनाना है मुझे, 12 इडली बनानी है, तो मैं दोनों को एक साथ भर के पहले एक रखूँगी और फिर दूसरा रखूँगी। तो मैं देख रही थी कि दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, तो बस वही मैं ठीक कर रही थी यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, मैंने कवर कर लिया है, और अब इसको बनने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट लगता है स्टीम होने में, और जो गैस की फ्लेम है उसको लो मीडियम रखना होता है। 10 मिनट के बाद हम इस तरह से नाइफ से चेक कर लेंगे, अगर क्लीन निकल रहा है मीन्स कि हमारी इडली हो चुकी है। गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करने के बाद हम उसके जो है इडली मेकर का वो निकाल लेंगे ट्रे, उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। तुरंत नहीं निकालना है इडली को, नहीं तो फिर इडली की शेप बिगड़ जाएगी, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही निकालें तो एकदम अच्छे से क्लीन निकल जाएगी। आप नाइफ के हेल्प से या फिर स्पून के हेल्प से इडली को निकाल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तुरंत नहीं निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैं निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने पूरी इडली निकाल। तो फ्रेंड, यहाँ सेम बैटर से मैंने डोसा भी रेडी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने डोसा के स्प्रेड कर दिया है, और मैं नॉनस्टिक पे बना रही हूँ, और आज जल्दी में बना रही हूँ इसलिए, नहीं तो मैं लोहे के तवे पे भी बना लेती हूँ, और उसको थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्रिस्पी जालीदार डोसा बना हुआ है। तो आप इस से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और फुल रेसिपी डोसा की और डोसा की फिलिंग की मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो आप सब बने रहिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग और कुकिंग ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी।
मैं मिलूँगी आप सबसे और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रेसिपी को एंजॉय करें और बनाएं खाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्टी टेस्टी हमारे जो हैं सांभर भी बन के रेडी हो चुका है, तो बस अब प्लेट लगा लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ मेरा लंच बन के रेडी हो चुका है, सांभर भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, उत्तपम भी रेडी है और इडली भी रेडी है। तो यहाँ मैंने प्लेटें लगा दी हैं और मैंने कैसा बनाया और आप सब जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जरूर और आपने क्या बनाया जरूर कमेंट करके बताइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं खा के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना है। आप